मेरे इसका ना ये सही नजर आ रहा है। नहीं यहाँ ज्यादा लोग फिशिंग के लिए आते हैं, इसका ज्यादा फिशिंग के लिए आते हैं। माँ ये हल्की फुल्की तो चलती रहेगी फुहार, भाई मर्जी है, करना तो यहाँ कर लो, नहीं तो चलना है तो वहाँ चल लो। ये नेट वाली जाली, लेकिन फिर भी पानी का प्रेशर नहीं होगा, हल्का हल्का पानी आएगा लेकिन प्रेशर नहीं होगा। उधर से तो बेहतर ही रहेंगे, यही कर लेते हैं। पानी है या नल है? नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो नल की जरूरत नहीं, पानी है हमारे पास। वो टॉयलेट बना होगा मेरे ख्याल से, टॉयलेट बना होगा या गार्ड का कमरा, या तो गार्ड का कमरा या टॉयलेट है, दोनों में से एक चीज होगी। हाँ तो बस सही है, कच्ची खा लो निकाल के। बहुत बड़े लगते हैं, सही होते बहुत छोटे होंगे तो घुल जाएगा, घुल के मसाला दो दिन लगा रहा ना पक्के, चलो इसके ऊपर भी रखो यार, जी आप ये कोयलों की चाय जो आपसे जिक्र किया था, वो कोयलों की चाय तैयार हो रही है, और इसके ये हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे शेजान साहब हैं, ये बना रहे हैं बेहतरीन, क्योंकि इनका ताल्लुक हमारा बलूचिस्तान से है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि ये पिशावर और बलूचिस्तान क्वेटा, बल्कि स्पेशल क्वेटा है, क्वेटा की स्पेशलिटी है ये। मैंने एक ब्लॉग जायका होता है इस चाय का ना, बिल्कुल डिफरेंट जायका होता है, कोयले का जो चाय कराची क्वेटा में यही बनते हैं ज्यादातर। हाँ मैंने एक पिछले वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि ये क्वेटा की स्पेशलिटी है, कराची में बहुत मिलती है, तो इसका जायके पे बड़ा डिफरेंट जायका होता है। हाँ तो आज हमारी गुड लग है कि हमारे साथ बलोच है, और बलोच इसके बारे में हमको बता रहे हैं कैसे होता है, जबरदस्त। तो अभी चाय पी के आपको बताते हैं इसका टेस्ट, ये बहुत बेहतरीन चाय बनती है कोयलों पे। ये अभी दूध रखा हुआ था इन्होंने, अब ये डालने लगे हैं स्पेशल अपने पत्ती वत्ती जो कुछ भी मिक्स करके डालेंगे। ये भाई कराची से जिन्होंने चाय की पत्ती स्पेशल मंगाई हुई है, टपाल दानेदार। ये भाई भाई ओपन टी, साउथ अफ्रीका में हम लोग टी बैग इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग का पाकिस्तान की स्पेशल चाय है, और मैं साउथ अफ्रीकन व्यूवर्स टी स्पेशल फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स कॉल्ड टपाल दानेदार, सो दे यूजिंग स्पेशल टी फ्रॉम पाकिस्तान। एंड दिस इज द ब्राउन शुगर, they don't like white sugar, they say they health conscious, now Pakistani gone health conscious, so they using the brown sugar now. Thank you very much, salt sir. Yeah. चाय बनेगी स्लो स्लो कोई लोगों पर, और इसके बाद इसका टेस्ट आएगा ना, सारा खाया पिया हजम हो जाएगा। चाय रेडी हो गई है भाई, ये उबल गई है चाय, बड़ी बुरे तरीके से तैयार हो गई, उबल गई है, हम इसको कपों में डाल के टेस्ट करेंगे। खुश रखना है। ये देखा जी हमारे दो स्पेशल बंदे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग खत्म करवा दें, इसलिए हर जगह इंडिया और पाकिस्तान को साथ में रखते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले जो है ना मानते ही नहीं। यार आपकी चाय दूध तो दूध होता है, सफेद रंग का होता है वो, देखो नदीम भाई जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। जी चाय रेडी, चाय ले गए शेजान साहब कपों में डालने के लिए, और कप पकड़ पकड़ के चाय डालनी पड़ेगी, क्योंकि खतरा है कि गिर नहीं जाए। भाई मेरे हाथ को बचाना, बहुत कीमती हाथ है मेरा। ओ भाई भाई नहीं बोई बोरे जला नहीं, फिर जला रहे यार नदीम भाई का, ये नदीम भाई की बदुआ का असर है भाई, और कुछ भी नहीं, आज ला देते हैं।
वाह भाई वाह, शाहान साहब खुश रहो, अल्लाह में खुश रखे आपको। वैसे नदीम भाई के लिए भी आज बहुत दुआ है, इन्होंने आज बहुत अच्छा हमको खाना खिलाया, बहुत बेहतरीन बनाई नदीम भाई ने बनाई थी। ऑलमोस्ट ये रेसिपी है क्वेटा का, बलूचिस्तान का इलाका है क्वेटा, तो वहाँ का रेसिपी है, कराची में भी है। ये अब आखिरी राउंड है जी, समझ लें हमारी पार्टी का, चाय पी के फिर ऐसा ऐसा तैयारी पकड़ेंगे घर की तरफ निकलने के लिए। नदीम भाई भी अपना सीके वगैरह साफ कर रहे हैं। भाई हम जो भी नदीम भाई के बारे में बोलते हैं ना, कोई इसको बुरा मतलब ना ले, मैं क्लियर कर दूं, नदीम भाई हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और कोई ऐसा बात नहीं, हमारे भाई हैं और सब ये शुगल मेले के लिए होता है, और मज़ा आता है, और इनको छेड़ने में मज़ा आता है। हमारे मितेश भाई ये भी बोल रहे हैं। ये भाई नदीम भाई ने बिस्किट भी खोला है, तो अभी बिस्किट भी टेस्ट करते हैं। नदीम भाई ये बिस्किट कुछ बताएंगे आप? ये इनका स्टाइल है, नाराज होके मुंह पीछे करके, जैसे वो क्या तुम उधर आ ऊ कर रहा था, नदीम भाई ढके भाग गया। ये अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पाकिस्तान की स्पेशल टपा दानेदार चाय है, तो भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों ने पी है। चाय अच्छी है, चाय की पत्ती अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और बाकी चाय बेहतरीन बनी है, शेजान भाई ने बनाई है बेहतरीन चाय, और ये सब एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे चाय को। अपना आप लोगों के तो वहाँ कोई ये पठान लोग चाय का नहीं लगाते हैं गुजरात में इतने। अरे खाने के बाद चाय का दौर चल रहा है, लड़के एंजॉय कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर यहाँ और बैठते हैं, जब सारा काम ख़त्म हो गया माशाल्लाह, तो सूरज भी तप और तप निकल के आ रहा है। बरसात के अंदर जो है ना हम लोग को खाना वाना बनाना पड़ा, बुराई करनी पड़ी, ये लड़कों की हिम्मत है, इन्होंने बनाया खाना, एंड में चाय भी पिलाई है। अब धूप टाइट निकल के आ रही है बाहर, तो थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता।